पितृ आत्माओं की शांति, उन्हें शांति कैसे प्राप्त हो, जो दिवंगत आत्माएं हैं, हमारे मिलने वाले, हमारे संबंधी, हमारे माता पिता, हमारे दादाजी, या जाने वाला कोई भी आपका प्रिय व्यक्ति, उनको पहुँच सकता है कुछ या नहीं, जो हम प्रदान करते हैं। हमारे वैज्ञानिक ऋषि मुनियों ने इस संबंध में बहुत बड़ी खोज किए हैं। आज बाहर के देश भी इस संबंध में खोज कर रहे हैं। क्रिश्चियन साइंस सोसाइटी अमेरिका, थियोसोफिकल सोसाइटी लंदन ने, पेद संस्था मंडल बम्बई ने, और भी ऐसी संस्थाएं हैं जो इस संबंध में, पितात्माओं के संबंध में अनुसंधान कर रहे हैं उनको। और ऐसे पितात्माओं को बुलाया भी गया जिनकी तभी तभी मृत्यु हुई थी। बम्बई में ऐसी घटना हुई, पेद संस्था मंडल बम्बई के अध्यक्ष की मृत्यु हो गई, उन्हें उसी वक्त बुलाया गया शमशान में, उन आत्माओं का आह्वान किया गया, उनसे पूछा गया ये शरीर जल रहा है आपका, इसके संबंध में क्या विचार हैं आपके। तो उसने बताया कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं इतना दिन तक इसमें रहा। पर ये बड़ी अजीब वैज्ञानिक हिंदू संस्कृति की विधि है जिससे हमारा मोह समाप्त हो जाए। अगर कब्र में दाब दिया गया या वो पानी में डूब गया और सड़ रहा है, वो उस जीवात्मा का उस तरफ ध्यान होता है और वो मोह से परेशान रहता है। और यहाँ अग्नि तत्व अग्नि मिल गया, पंच तत्व पंच तत्व मिल गए, जल तत्व जल में मिल गया, अग्नि की मैं स्वाहा हो गया, इस प्रकार वायु वायु में मिल गया, प्राण प्राण परमात्मा में चला गया। इस प्रकार हमारे वैज्ञानिक ऋषियों ने ये बड़ी परिमार्जित विधि दाह संस्कार की, क्रियाक्रम की, वो भी मंत्रों के साथ बनाई, महत्वपूर्ण है। पर उन दिव्या दबंगत आत्माओं की आत्म शांति कैसे हो, संतुष्टि कैसे हो, ये भी प्रश्न किया गया। हमारे यहाँ तो गरुड़ पुराण में लिखा ही गया है, किंतु हमने प्रैक्टिकल भी देखा। और आज बड़ा अंधेर हो गया है, आज 13वीं वगैरह 13 दिन तक वो जीवात्मी उस यमपुरी में को जाने के लिए 13 दिन लगते हैं, और वो अपने घर वालों की तरफ देखता रहता है जीवात्मा, सूक्ष्म शरीर उसका, कि वो कुछ मुझे मेरे लिए कुछ करते हैं नहीं, इतना कष्ट होता है, वो सब क्या हो रहा है क्या नहीं। वो जीवात्मा बार बार गर्दन मोड़कर आपकी तरफ देखता रहता है वहाँ। आज तो 3 दिन में आदमी की मृत्यु हुई, उठा के फेंक आए, शमशान में जला दिया, और कुछ करा नहीं, कोई विधि विधि नहीं होती, करने विधि करने वाले भी नहीं रहे। और उसमें हम 3 दिन में ही बस जो कुछ कर गया उठाला हो गया, 3 दिन के बाद ही ख़त्म। पर वो 13 दिन तक हमें करना चाहिए जो शास्त्र में गरुड़ पुराण में जिस भांति लिखा है, आवश्यकता करिए, जरूर से ज़्यादा बात मत करिए, उसको उससे संतुष्टि होगी। उसके लिए गायत्री जप होना चाहिए उसकी आत्मा की। आप तो कोई मरने वालों के संबंधी संकल्प भी नहीं कर सकते, आज्ञा दे देंगे, कह देंगे, प्रार्थना कर देंगे, पंडित जी हमारे लिए ये मंदिर में बैठकर संकल्प करके उसका आदमी का मरने वाले का गोत्र ये था, नाम ये था, उसके लिए, उसकी आत्म शांति के लिए, उसकी मोक्ष के लिए ये गायत्री यज्ञ सवा लक्ष्य के रूप में जप कर दीजिए, हवन कर दीजिए। अंतिम दिन 13 दिन के पश्चात वो घर के लोग शुद्धिकरण होने के बाद हवन में आ सकते हैं। एक व्यक्ति मेरे पास आए, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा फला पंडित जी आए और उन्होंने कहा जहाँ पर मृत्यु हुई है उसी स्थान पर उसी कमरे में बैठकर गायत्री जप करा जाए। कैसी बात है, आजकल कल के तथाकथित पंडित विद्वान ऐसी अनर्गल बात क्यों कहते हैं, वो तो हो ही नहीं सकता, वहाँ तो सूतक है, अपवित्रता है। 13 दिन तक वो जब तक अग्निहोत्र नहीं होगा वहाँ पर वो अपवित्रता एनवायरमेंट शुद्ध नहीं होता, वहाँ गायत्री जप हो ही नहीं सकता, करना ही नहीं चाहिए, व्यर्थ है वो सब। वैसे भगवान का नाम, गीता पाठ करिए, राम नाम करिए, वो हो सकता है, किंतु गायत्री जप उसकी आत्म शांति के लिए, वो भी हो आएंगी, गीता पाठ भी है, वो सब हो सकता है,
किंतु गायत्री जप नहीं हो सकता। ये गलत बात है, इसलिए आप सावधान हो। ऐसे मनगढ़ंत तरीके से उनकी आत्मा शांति मत करिए। शास्त्रोक्त ढंग से ठीक प्रकार अच्छे सुलझे हुए लोगों से मिलकर अपने पितृ आत्माओं की, दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए तर्पण, मार्जन, हवन ये सब करिए। जो कि भी जैसे आप कहेंगे वहाँ कैसे पहुँच जाएगा, अरे भाई आपका लड़का अमेरिका में पढ़ता है, बताइए यहाँ के रुपए तो हम अमरीका में चलेंगे नहीं, जर्मन में चलेंगे नहीं, रशिया में नहीं चलेंगे। वो पैसा भेज रहे हैं आपको, इंटरनेशनल गवर्नमेंट का एक देशों का कानून है कि जो पैसा हमने यहाँ भारतीय रुपए में भेजा वो वहाँ कन्वर्ट होकर उस रशियन रुपए में, करेंसी में मिल जाएगा उसको। ऐसे ही जिस प्रकार वो सूक्ष्म शरीरधारी जीवात्मा हैं उनकी भावना के द्वारा तृप्ति होती है, वो सूक्ष्म यज्ञ के द्वारा मेरी दिया गरीब आदमी को, जानवर को, कुत्ते कौवे पक्षी को, चींटियों को खिलाने पर जो तृप्ति जीवात्माओं, परमात्मा सब जीवों में उपस्थित है, उनके अंदर है, उनको की तृप्ति होती है। ब्राह्मण यदि भजन करता है वास्तव में उन गरीब आदमियों को खिलाने से, वो सूक्ष्म होकर वो खाना उस लोक में निवास करने वाले पितृ आत्माओं को, दिवंगत आत्माओं को उसी रूप में, जिस रूप में उनको संतुष्टि होगी प्राप्त हो जाएगा। पर उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जो हम नित्य कर सकते हैं अपनी दिवंगत आत्माओं की संतुष्टि के लिए। वो तर्पण, जल देना उनको, जो कुछ भी चीज़ है वो जल हमारे यहाँ हाथ कुशा लेकर तिल, चावल, जौ आदि के द्वारा तर्पण किया जाता है। जल से बहुत संतुष्टि होती है उनको। पितृ आत्माएँ भूखी घूमती रहती हैं, प्यासी घूमती रहती हैं, हमें उनके पुत्र आदि परिवारजन, उनके पति, उनकी स्त्रियों तो पता नहीं कैसे क्या है, इसलिए वो दे सकती हैं या नहीं, पर मेरे विचार से तो उनके द्वारा भी दिया गया तर्पण जल अवश्य प्राप्त होना चाहिए। वह भी आत्मा है, सूक्ष्म शरीर है, स्त्री का शरीर बन गया तो क्या हुआ, आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता, उसका कोई लिंग नहीं है। आत्मा पुरुष के शरीर में चली गई तो पुरुष हो गई, स्त्री के शरीर में चली गई तो स्त्री हो गई, ये कोई बात है, सवाल ही नहीं उठता। इसलिए आप सब स्त्रियों ने वेद मंत्र बनाए हैं हमारे यहाँ, मेरे पास एक नहीं अनेकों 20-30-40-50 माताएं, बहनें, पत्नियाँ ऐसी थीं ऋषियों की जिन्होंने अद्वितीय मंत्र बनाए हैं, वेद मंत्र बनाए हैं ये हमारे यहाँ तर्पण करने के लिए, उन प्रेत आत्माओं को, उन पितृ आत्माओं को, अपने दिवंगत आत्माओं को। ऐसे जल यहाँ से, ये पितृ तीर्थ है, ये जो तीर्थ है अंगूठा पहली उंगली के बीच में, यहाँ से ऐसे लेकर जल दूसरे हाथ में लीजिए, या गंगा जी में बैठे हैं तो ऐसे जल लीजिए और उनको तर्पण दाम, उनका नाम ध्यान करके, बाकायदा मंत्र भी हैं वो सिद्ध यज्ञ मंत्र संग्रह में, इसका फोटो भी दिया गया है, ये देव तीर्थ है, ये ऋषि तीर्थ है, ऐसा ये ऋषि तीर्थ है छोटी उंगली के नीचे, और उंगलियों के अग्रभाग जो है देव तीर्थ है। देवताओं को रोजाना आप अपने इष्ट देव को तर्पण करें, ऐसे नहाने के टाइम पर ही वही बाथरूम में ही कर दीजिए, बाहर आके करें तो अच्छा है, सूर्य को जल ऐसे दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे आप उनकी संतुष्टि होती है, प्रसन्न होते हैं। और जैसे भी अपने पितरों को यहाँ से रोजाना, हम तो रोजाना करते हैं, वो इंतजार करते हैं हमारे बच्चे हमारे लिए कुछ करते हैं या नहीं, उनकी संतुष्टि होती है, वो आशीर्वाद दे जाते हैं। आपके पितृजन रोजाना आपके आसपास अवश्य आते हैं, इसलिए और जब विवाह आदि संस्कार हों, उत्सव हों घर में, उनके लिए एक थाली में लेकर अवश्य हाथ में जल लिया, उनका ध्यान, सभी पितरों का ध्यान, अपने माता पिता, दादा दादी जो कोई भी चले गए हैं, अपने मित्रों का भी
दाह संस्कार के उपरांत ऐसे कर सकते हैं। और नारायण बलि होती है और भी एक नहीं अनेकों ऐसी बात है जो उससे दुर्घटना से मर गए, अकाल मार अकाल मृत्यु हुई है, उनके लिए नारायण बलि एक बाकायदा 10वें दिन 11वें दिन जैसा गुरुपुराण में लिखा है वैसा करिए। और वो बहुत लंबा 3 घंटे का विषय है और उस बाकायदा उसमें तर्पण आदि सब पिंडदान आदि होते हैं, वो सब करना चाहिए। सूक्ष्म विधि तो कर लीजिए, अपने आप बैठकर जप करिए उनके लिए। और जब रोजाना भी हम उन्हें, हमारे पिता को मरे बहुत दिन हो गए, 10 साल बीत गए, तब भी हम करते हैं, हमारा कर्तव्य है। आपके हमारे दादाजी को, परदादाजी को जहाँ तक हमें याद है उनको हम सबको जल प्रदान करते हैं, भोजन भी इतना सा 2 टुकड़े निकाल कर दे डाल दीजिए, क्या कौवे को डाल दीजिए, कुत्ते को डाल दीजिए, फकीर को दे दीजिए। जैन शास्त्र में, जैन धर्म में एक बड़ी विचित्र परंपरा है। पहले ज़माने में हमारे पूर्वज बड़े लोग जवान होते हैं बच्चे के, घर छोड़ के वानप्रस्थ लेकर चले जाते थे संन्यास लेने के लिए। और वो कहीं भिक्षा मांग कर 3 घरों में गए, भिक्षा मांगी, जो आ गया वो खा लिया, आगे घरों में नहीं जाते थे। जैन धर्म वाले लोगों में बड़ी विशेष बात है, कौन हमारे माता पिता भी कहीं भिक्षा मांग रहे होंगे, वो समय होते ही भोजन का घर में जो बना है हाथ में लेकर खड़े हो जाते हैं। जैन मुनि आते हैं उनको डाल देते हैं, कुछ मुनि अजीब तरह का संकल्प करते हैं, आज हमें मूंग की दाल के छिलके चाहिए, भगवान महावीर ने ऐसा ही किया। और एक लड़की सोचा उन्होंने, कोई कन्या ऐसी खड़ी हो जिसके सिर पर 5 चोटियां हों और उसके आंखों में आंसू हो और मूंग की दाल के छिलके लेकर खड़ी हो और उसे हमें देने की इच्छा भी हो। भगवान महावीर उसी समय वहाँ आ गए, अकस्मातिक ऐसा वातावरण बना कि उन्होंने पात्र कर दिया और उनका संकल्प पूरा हुआ। और एकदम वो लड़की ने मूंग की दाल के छिलके जो फेंकने आई थी वो डाल दिया, मेरे पास कुछ होता तो मैं भगवान को देती, पर भगवान को वही संकल्प भी वो करके आए थे। कैसी उच्च भावना है, कैसी पवित्र भावना है, किस तरह का अद्भुत संकल्प है। इसलिए पितृआत्माओं को, अपने पूर्वजों को और अपने जीते जागते माँ बाप को जो संन्यास लेने के लिए वानप्रस्थ लेकर चले गए हैं, उन वो भी मेरे माँ बाप भी कहीं मांग रहे होंगे, भोजन बनाने के बाद अपने लिए ही भोजन मत बनाइए, ये भी यज्ञ है बाकायदा। और उनको कोई भात 2 मिनट के लिए खड़े हुई है, कोई आ गया तो उसे खिला दीजिए सामर्थ्य को, नहीं तो वैसे निकाल कर रख दीजिए और गऊ को डाल दीजिए, काक पीली का दी कौवे को डाल दीजिए, कुत्ते को डाल दीजिए, उससे भी वो सब पितृआत्माओं की संतुष्टि होती है। पर सबसे ज़्यादा जल देने की, वो जल देना मत भूलिए, वो जरूरी बात है, उसे तर्पण करना कहते हैं, वो हमारे यहाँ बाकायदा विधि बताई गई है। और साल में 15 दिन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में ये 16 दिन तक वो चलता है, पहली पूर्णिमा और अंतिम अमावस्या से लेकर प्रतिपदा द्वितीया, किस दिन जिस तिथि को जो दिवंगत आत्मा की का शरीर पूरा हुआ है उसी दिन वो श्राद्ध करने की भोजन बनाइए। और कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो गायत्री जप रोजाना करता हो उन्हें खिला दीजिए। और आप नहीं नहीं खाता है, कोई ब्राह्मण नहीं है, उन्हें गाय को खिला दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। कोई ब्राह्मण के बाद गऊ का नंबर है, किसी भी गरीब आदमी को दे दीजिए, उनकी संतुष्टि होगी, पूरी संतुष्टि होगी, बहुत बड़ा पुण्य कार्य होता है। गरीब परित्यक्त लोगों को की सेवा करिए। मैं लगभग 15 वर्ष से आश्रम में आ रही हूँ, गुरु जी के आशीर्वाद से मुझे बहुत ही शांति और बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। मैं जब यहाँ पर आई थी कुछ समस्याएं थी हमारे परिवार में, बाहर की समस्याएं थी, अंदरूनी समस्याएं तो नहीं थी, लेकिन गुरु जी के सानिध्य में हवन करते हुए उनके आशीर्वाद से
सारी समस्याएं अपने आप ही किस तरह से उनका निराकरण हो गया हमें कुछ पता ही नहीं चला। और यहाँ पर आकर के हम हर ये नव दुर्गा में हवन करते हैं, हवन करके मन को इतनी शांति प्राप्त होती है। अगर किसी वजह से किसी दिन ना आ पाए तो ऐसा लगता है जैसे हमसे पता नहीं क्या छूट गया और अब उसको कैसे हम करें। गुरुदेव का आशीर्वाद तो इतना ज़्यादा है कि बता नहीं सकती। और जो उनके चेहरे का तेज है वो देखने लायक है। मैंने बहुत से संत देखे लेकिन ऐसा चेहरे का तेज किसी भी संत में नहीं होता जैसा उनका तेज है, जो उनकी वाणी में असर है, जो उनका अनुभव है, जो उनका ज्ञान है, इतना गहन ज्ञान है और जिसको कि वो शब्दों में तो इतना वर्णन भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन ज्ञान उनका बहुत अपने जो अंदर से उन्होंने अपने अनुभव से प्राप्त किया है वो उनकी बहुत ही कठिन साधना के कारण हुआ है। हर कोई इतनी साधना नहीं कर सकता, गुरुदेव ने इतनी ज़्यादा कठिन साधना की है। हम तो अगर उनका एक तिल मात्र भी ग्रहण कर लें तो बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव का बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे ऊपर। और देखिए आश्रम में इतना सबको करवाते हैं, ये करके सबको एक सन्मार्ग पर ले जा रहे हैं, सभी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और उठाते हैं। इतना अच्छा हवन, इतना अच्छा दुर्गा सप्तशती का ये सब कहीं भी नहीं मैंने देखा आज तक जितना गुरुदेव के आश्रम में होता है।